बुट्टी बोरी एवं हिंगना क्षेत्र से एक एटीएम चोरी का मामला उजागर हुआ था, जिस पर कार्रवाई कर ग्रामीण क्राइम ब्रांच यूनिट द्वारा मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल बुट्टी बोरी स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन को गत 23 सितम्बर की रात करीब 2:30 से 3:45 बजे के दरमियान गैस कटर से मशीन के सामने का डिस्पेंसर में डोर व वॉल्व काटकर आरोपी ने उसमें से करीब 14,95,000 रूपए चुरा कर ले गए। घटना के विषय में शिकायत मिलने पर बुट्टीपुरी पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बुट्टीपुरी पुलिस और ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दस्ते ने संयुक्त जाँच शुरू की। ग्रामीण अपराध पुलिस विभाग के निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे के नेतृत्व में अलग अलग दस्ते तैयार किए गए। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दस्ते ने तकनीक के आधार पर पता किया कि संदिग्ध आरोपी एक सफेद रंग की कार में सवार थे। घटना के बाद वही सफेद रंग की कार क्रमांक TS01EM1515 बोरखेड़ी टोल प्लाजा से निकली। इस कार का नंबर वाहन पोर्टल से पुलिस ने देखा तो उपयोग किया गया उक्त नंबर गलत था। एक पुलिस दस्ते ने महाराष्ट्र व तेलंगाना में टोल प्लाजा चेक किया तो वह कार आंध्र प्रदेश की ओर जाने की जानकारी पता चली। इस वाहन का करीब 800 किलोमीटर पीछा करने के बाद आंध्र प्रदेश में रोका गया। जब कार के पीछे से आ रहे कंटेनर के चालक ने वाहन को रोक दिया व कार में बैठे आरोपी हरित सिंह और वसिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने पर देखने लगा। यह देखकर कंटेनर में बैठे 5 लोगों में से 4 लोग कूदकर भाग निकले। पुलिस ने कंटेनर चालक मोहम्मद मुस्तकीन को धर दबोचा। कंटेनर से कूदकर भागे चारों आरोपी एटीएम से चुराई गई 14,95,000 रूपए नकदी साथ लेकर चले गए। चारों फरार आरोपियों की तलाश पुलिस करी है तो वहीं इस गिरोह के 3 अपराधी हरि सिंह, रामहंस सिंह, खुर्शीद जटवारी छाता मथुरा उत्तर प्रदेश निवासी, वसीम अकरम मोहम्मद आजाद चिमनी भरतपुर राजस्थान निवासी और कंटेनर चालक मोहम्मद मुस्तकीन आस मोहम्मद घसेड़ा नुह मेवात हरियाणा निवासी इन्हें गिरफ्तार कर आगे की जांच जारी है। तारीख 23/9/23 को मेरी सवेरे ड्यूटी थी 11:00 सवेरे 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो उस दरमियान 11 बजे सवेरे फोन से मुझे जानकारी मिली कि बैंक ऑफ इंडिया का रात दरमियान एटीएम फूटा है। तब हम पीआई साहब, मैं एसीपी साहब और बाद में डीसीपी साहब, इन्होंने विजिट दी तो वहाँ पे जो एटीएम था बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पे 2 मशीन रखी है। एक मशीन में से वो गैस कटर से कुछ 2 आरोपी जो थे वो इन्वेस्टिगेशन में प्राथमिक दृष्टया 2 आरोपी करके दिखे है उसमें, और हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो गैस कटर से उन्होंने एक साइड काटी है एटीएम की, और एटीएम की एक साइड काटने से के बाद उन्होंने तुरंत वहाँ से कुछ गाड़ी से होकर गए वो। तो इन्वेस्टिगेशन में चालू है और इन्वेस्टिगेशन में 2 आरोपी फिलहाल दिख रहे हैं। उस दृष्टि से हमारा तपास चालू है और आरोपी जल्द मिल जाएंगे। चंद तो फिलहाल अभी है वो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, तो फिलहाल हम कुछ जानकारी नहीं दे सकते। तो लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में जारी है और आरोपी मिल जाएंगे जल्दी। चोरी हुई एटीएम में से कुछ पहले कुछ 10 लाख समथिंग थे और बाद में कुछ 12 लाख डाले, ऐसा मिला कि कुल 12 और 12 ऐसा समझो 24,21,200 रुपये की कुछ चोरी हुई है एटीएम में से। और एटीएम में से जो ट्रे थे वो जिसमें पैसे रखे जाते हैं एटीएम में, उसके साथ में वो लेके गए और बाद में पीछे में जो उनका एक ये रखा है मशीन कुछ वो एक जो फुटेज वगैरह आते हैं वो कुछ मशीन वगैरह ले गए वो। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।